इरादे भी मजबूत हैं। लोकतंत्र के महापर्व पर किस तरह से आप मतदान की अपील करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि देश में लोकतंत्र बहुत मैच्योर हो गया है और मतदाता बहुत जागरूक हो गए हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि भारत में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था 70 साल पहले, तब का जो और अब तक का सफ़र जो रहा, बहुत कुछ इसमें देखा सीखा, लेकिन जो हमारी आवाम है, जो जनता है, वो इतनी समझदार हो गई है कि अब सबका भरोसा उनके विवेक के ऊपर है। और कल राजस्थान में वोट पड़ेगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस की जो रीति नीति है, कांग्रेस का जो विचार है और कांग्रेस की जो पार्टी का काम करने का तरीका है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा का जो चुनाव प्रचार था वो उठ नहीं पाया। उनका मामला है जमा नहीं, उनके नेताओं का जो विश्वसनीयता लोगों के प्रति है वो कायम नहीं रख पाए। इसलिए एडवांटेज हमको मिलेगा। मैं तो अपील करता हूँ सभी लोगों से कि अपने मत का उपयोग करें और प्रत्येक व्यक्ति को जाके अपने मत का पोलिंग बूथ में इस्तेमाल करना चाहिए और बटन दबाकर लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। गन्ने को हाथ में लेकर मिठास के साथ अपने मजबूत इरादों की बात की है, तो कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का जो है, कितनी मजबूती से दावा करते हैं आप? देखिए, सभी चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, और हम लोग इस बार लड़ रहे हैं चुनाव ताकि जो हम पिछले 25-30 साल में नहीं कर पाए। आपको याद होगा, हम सरकार बनाते हैं और फिर 50 पे से मट जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर 21 पे से मट जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है और ना प्रदेश के लिए अच्छा है। इसलिए इस बार हम लोगों ने कुछ कोर्स करेक्शन किया। साल भर पहले कुछ बातों को हमने रखा, उसको पार्टी ने संज्ञान लेकर उसको सही दुरुस्त करने का काम किया, और आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हम बोल सकते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। ये माहौल जो बना है, ये सब लोगों के प्रयास से बना है, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो रिस्पांस है पब्लिक का, मैं अनेकों जिलों में गया हूँ, पूरे प्रदेश में कैंपेन हम लोगों ने किया है, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे साहब ने, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे बन रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी इस बार यहाँ कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। जनता के लाडले सचिन पायलट मतदान की तारीख आते आते प्रधानमंत्री और अशोक गहलोत दोनों के लाडले बन गए। देखो, लाडले तो अगर किसी को बनना है तो पब्लिक का बनना चाहिए, और लाडला बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता की ज़रूरत है। वो तो अपना त्याग, तपस्या, समर्पण, सेवा और लगातार जनता के बीच में रहकर जो रिश्ता कायम होता है, वही सबसे बड़ी पूंजी नेता की होती है, और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार के मेरे संस्कार हैं बचपन से। बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ एलेज किया गया, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश करी अपना संयम ना खोने की, और हमेशा पब्लिक के बीच एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करने की, और लोकतंत्र को मजबूत करने में विरोधियों को भी आलोचना अगर हमें करनी है तो संयमित भाषा से करनी चाहिए। आप असेट हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी बोलते हैं, अब मोदी जी भी जो है आपकी चिंता करने लगे। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि किसी नेता को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी चिंता मेरी पार्टी, मेरी जनता करेगी। हम उसके प्रति समर्पित हैं, और विचारधारा को लेकर हमारा जो संघर्ष है उसमें हम लोग जीत कर आएंगे, और देश भर में कांग्रेस पार्टी विजयी बनकर आएगी। पीएम मोदी साहब को तो लगता है कि आपका नाम लिए बिना चैन ही नहीं पड़ता था, नींद में नहीं आती होगी, तो अब उनको नींद आएगी क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया उनका। देखिए, कल मतदान होगा, और जो भी परिणाम आना है वो किसी के कहने से आने वाला नहीं है। मतगणना 3 तारीख को होगी, और सब पता पड़ेगा कि किसका भाषण ज़्यादा प्रभावी था, कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था। जनता ही पोल खोलती है, पोलिंग के माध्यम से बहुतों की पोल खुलेगी, तो 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता पड़ेगा कि कौन सही था, कौन गलत था। बहरहाल, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत बात करने के बजाय सैद्धांतिक बात हम करें, आरोप लगाने के बजाय अपने गरिमान में झांक कर देखें, और दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपनी रिपोर्ट का जनता के बीच में लेकर जाएंगे, वो एक बेहतर तरीके की राजनीति होती है।